हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपके गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कि सितंबर में अब आपको अपने बोगनविलिया में क्या काम करना है और इसको किस तरह से सर्दियों के लिए तैयार करना है। वैसे बोगनविलिया जो है ना, वो गर्मी का पौधा है। देखिए, ये मेरे बोगनविलिया जो मैंने कटिंग से उगाए हुए हैं, इनको रिपोर्ट किया था मैंने। देखिए, तो बोगनविलिया में अब आपको इस टाइम क्या काम करने हैं, आज हम इस पे बात करेंगे, जो सितंबर में करने ज़रूरी हैं और फ्लावर इनसे ज़्यादा से ज़्यादा लें तो हम क्या करें। ये देखिए, ये टू जो हैं वो स्पेंट हो गए हैं फ्लावर्स, तो स्पेंट फ्लावर्स को तो आपको इस तरह से कट करके हटा देना है। ये देखिए, जब आप स्पेंट फ्लावर्स हटाएंगे तो उसके नीचे से नई ब्रांचेस आएंगी और नए जो हैं वो फूल खिलेंगे। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये बोगनविलिया के फ्लावर्स ज़्यादा दिन तक चलते हैं और कम पानी धूप में बहुत अच्छे ग्रो करते हैं, इसलिए ये बहुत अच्छा पौधा होता है। अब मैंने क्या किया है कि अपने टॉप टेरेस पे, देखिए ये जो मैंने पैरापेट पे ऐसे कुंडे रखे हैं, एक तो इनका गिरने का डर नहीं रहता है और दूसरा क्या है कि इनको देखिए, इन पे सब में मैंने बोगनविलिया लगा दिए हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अब हमें इसको सर्दियों के लिए कैसे तैयार करना है। तो तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो आपका जिस गमले में बोगनविलिया लगा हुआ है उसकी इतनी इतनी ऊपर की मिट्टी, मैंने तो देखिए खाद दे दी है इसलिए मैं अब नहीं निकाल सकती मिट्टी, इतनी इतनी मिट्टी ऊपर की आप निकाल दें, इतनी 2-2.5 इंच मिट्टी निकाल दें और उसको फिर छोड़ दें एक दिन के लिए, धूप लगने दें अच्छी तरह। 1.5 इंच मिट्टी, 2 इंच निकाल देंगे ना, उसके बाद जो नीचे की मिट्टी है उसको भी थोड़ा सा ऐसे ऐसे हिला दें, है ना, ताकि ऐसे ऐसे हिला दें उस मिट्टी को भी, ताकि जो धूप लगे उसमें अच्छी तरह एक दिन की। कोई भी पेस्ट, फंगस, कुछ भी है आपके पौधे की मिट्टी में तो वो सारा कुछ निकल जाए। और मिट्टी इसकी अच्छी वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए बोगनविलिया की, ये पहली कंडीशन है, ऐसे फ्री फ्लोइंग और इतनी ही मॉइस्ट रहनी चाहिए। देखिए ये इतनी मॉइस्ट है ना, बहुत ज़्यादा लड्डू नहीं बनना चाहिए, देखिए इतनी सी बाइंड होनी चाहिए, इतनी मॉइस्ट रहनी चाहिए हर वक्त। तो आपको क्या करना है, उसको छोड़ देना है। अब छोड़ देंगे जब, तो उससे अगले दिन आपको क्या करना है, सारे दिन की धूप लगने दें, मॉर्निंग में करें ये काम तो और भी अच्छा है, या जैसे आज इवनिंग में किया है तो कल सारा दिन रहने दें। और फिर कल शाम को क्या करें कि इसमें फिर जो हमने मिट्टी हटाई थी उसकी जगह इतनी इतनी लेयर एक वर्मी कंपोस्ट की डाल दें, इतनी लेयर। और वो जो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डालेंगे, उस वर्मी कंपोस्ट में आप जैसे एक गमले की मैं बात करती हूँ तो एक गमले के हिसाब से उस वर्मी कंपोस्ट में आप 1 चम्मच तो डालेंगे साफ फंजीसाइड, मतलब कोई भी फंजीसाइड, साफ तो मैं यूँ ही बोल गई, या आपको ट्राइकोडर्मा डालना है तो जो भी डालना है वो 1 छोटा चम्मच या 1.5 चम्मच डाल देंगे अगर गमला बड़ा है तो। और उसमें फिर आपको 1 चम्मच से 1.5 चम्मच तक पोटाश डालना है, पोटाश पाउडर आता है, म्यूरेट ऑफ पोटाश, वो डालना है आपको। और फिर उसमें थोड़ी सी आपको नीम खली अगर मिलाना चाहते हैं तो 2-4 मुट्ठी नीम खली एक गमले के हिसाब से उसमें मिला दें। और ये सारा आप जो मिक्सचर है ये बना के रख दें, और इस मिक्सचर में आप 1 छोटा चम्मच जो है वो, एक गमले के हिसाब से बता रही हूँ, ये चम्मच वाली चीज़ें हर गमले के हिसाब से उसमें डालते जाएं अलग से, तो 1 छोटा चम्मच जो है उसमें आप एप्सम सॉल्ट भी डाल दें। एप्सम सॉल्ट क्या होता है कि वो जो है वो क्लोरोफिल का एक पार्ट होता है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम होता है एप्सम सॉल्ट में, मैग्नीशियम सल्फेट होता है एप्सम सॉल्ट, तो वो जो होता है वो उससे ज़्यादा क्लोरोफिल बनता है, और ज़्यादा क्लोरोफिल होगा तो पौधे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे और ज़्यादा आपका पौधा जो है वो हेल्दी रहेगा। तो इसलिए आप उसमें ये मिला के सारा मिक्सचर जो तैयार करके, और इसकी जो है आप एक इतनी इतनी लेयर, जैसे आपने इतनी लेयर मिट्टी हटाई थी तो इतनी लेयर उसकी, ये जो खाद आपने बनाया है मिक्सचर, इसकी डाल दें। अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर खाद भी ले सकते हैं अच्छी सड़ी हुई, और ये मिक्सचर आप इसमें डाल दें और ऊपर से एक पतली लेयर, इतनी सी वो जो मिट्टी निकाली थी उसकी एक इतनी सी लेयर बना दें। और फिर ये करने के बाद आपको क्या करना है कि अपने पौधे की ट्रिमिंग करनी है,
ट्रिमिंग कैसे करनी है आपको, कि जो भी स्पेंट फ्लावर्स वगैरह हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ, देखिए ये जैसे है ये वाला फ्लावर, ये थोड़ा थोड़ा स्पेंट हो रहा है, इस तरह के फ्लावर वाली ब्रांच है, या ऐसी ब्रांच है ना जिसमें फूल आ चुके हैं, जैसे मुझे शायद ये यहाँ पे एक दिख रही है इस तरह की ब्रांचेस, ये जो छोटी छोटी डंडियाँ हैं, है ना, या फिर आपके कोई ऐसी लंबी लंबी ब्रांचेस हैं जिनमें बोगनविलिया क्या होता है, देखिए जैसे ये वाली ब्रांच है ना, इसके टिप पे लगेगा, यहाँ बोगनविलिया का इनफ्लोरिसेंस आएगा, तो इसलिए हमें ये टिप्स जितनी ज़्यादा होंगी हमारे पौधे पर उतने ज़्यादा जो हैं फूल आएंगे। तो इसलिए जो भी स्पेंट फ्लावर्स है, या ये देखिए ये ऐसे दिखा रही हूँ मैं आप, तो ऐसी जहाँ से ये बोगनविलिया निकल चुका है, ये हैं मतलब ये फूल झड़ चुके हैं ये ब्रांचेस, या कोई बहुत लंबी सी ऐसे अननेसेसरी ब्रांचेस, जैसे देखिए ये मैं आपको ब्रांच दिखाती हूँ, ये वाली जो ब्रांच है ना ये बिल्कुल आइडियल है बताने के लिए, इस ब्रांच पे देखिए यहाँ फूल खिले हुए थे, आपको दिख रहे हैं ये खूब सारी डंडियाँ सूखी हुई सी। अब जब तक हम इस ब्रांच को ऐसे तोड़ेंगे नहीं ना, प्रूनर से प्रून नहीं करेंगे, जब तक इसको प्रून नहीं करेंगे नए फूल नहीं आएंगे, इसमें से आगे नई नीचे से दो ब्रांचेस निकलेंगी। इस ब्रांच ने अपना काम कर दिया, अब हमने यहाँ से इस ब्रांच को हटा दिया है, देखिए मैंने थोड़ा सा हाथ से ही हटा दिया, प्रूनर से हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे से और ब्रांचेस निकलेंगी और हमारा पौधा जो है वो अच्छी शेप लेगा। और एक चीज़ आपको बताऊँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, या आपका पौधा बहुत अजीब सी ग्रोथ ले रहा है, वो सुंदर नहीं लग रहा है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है, इस टाइम आप अपने पौधे की अच्छे से प्रूनिंग कर दीजिए, जहाँ जैसा आप चाहते हैं, तो खाद डालने के बाद प्रूनिंग ज़रूर करनी चाहिए ताकि नई ब्रांचेस आएँ, तो साथ में आप अपने पौधे की प्रूनिंग भी कर दीजिए। तो और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने पौधे को ऐसी जगह रखना है कि जहाँ पर उसको धूप बहुत अच्छी मिले। अब सर्दियाँ आने वाली हैं, अभी तो शायद नहीं है, हमारे यहाँ तो अभी धूप बहुत है, लेकिन जहाँ जहाँ थोड़ा ठंड होने शुरू हो गई है तो इसको आपको ना धूप में रखना है। अगर गमले में है तो कोई ऐसी दीवार के पास शिफ्ट कर दें आप, जहाँ उस दीवार पर बहुत तेज़ धूप गिरती हो, तो वो रिफ्लेक्ट होके पौधे पे भी आएगी, तो डबल धूप हो जाती है पौधे को जो मिलती है, उससे डबल हो जाती है, रिफ्लेक्ट होके भी आती है, तो इस तरह से आपके पौधे को ज़्यादा धूप मिलेगी। और जितनी अच्छी धूप मिलेगी ना आपके पौधे को, उतना ही आपके पौधे में फ्लावर ज़्यादा खिलेंगे। ये देखिए, और एक चीज़ आपको बताऊँ, वैसे तो जो बोगनविलिया होता है इसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है फॉस्फेट। देखिए इस पौधे के जो फ्लावर्स हैं ना, ये देखिए ये खिल खिल के सारे स्पेंट हो गए हैं। अब मैं इस ब्रांच को काटूंगी, इस ब्रांच को काटूंगी तो और फूल इसमें आएंगे। इसमें थोड़े दिन पहले तक ये सब काटने वाली हुई हुई हैं ब्रांचेस, इनको कट करूंगी, खाद मैंने दे दी है तो और नई ब्रांचेस आएंगी और मेरा पौधा जो है वो, और इसमें बहुत फूल थे थोड़े दिन पहले तक, ये जो मैं आपको सारे दिखा रही हूँ, देखिए ये सारे भरे हुए थे फूल, तो ये काटूंगी इसको मैं। तो ऐसे मैंने कहा अब आप अपने पौधे को धूप दें, और हाँ फॉस्फेट इसको वैसे तो पसंद नहीं है, मैं बात ही भूल जाती हूँ करते हुए, लेकिन आप इस पौधे को अगर बिल्कुल ही फूल नहीं आ रहे हैं, अगर आपने ये सब खाद दे दी जो मैंने कहा, धूप भी बहुत अच्छी दे रहे हैं, अच्छा जब आपने ये खाद दे दी है ना, तो अब थोड़े दिन तक आप इसको पानी जो है वो इतना देंगे कि इसकी मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्ट मतलब रहे। ऐसा नहीं है खाद देने के बाद अगर पौधे को फूल पानी नहीं देते हैं ना आप, तो क्या होता है कि आपका पौधा खाद की गर्मी से ही मर जाता है। वैसे वर्मी कंपोस्ट तो ठंडी होती है, लेकिन फिर भी आपको खाद देनी, खाद दी है तो पानी दें अच्छा अपने पौधे को, अच्छा मतलब मिट्टी मॉइस्ट रखें पौधे की। और एक चीज़ और होती है, और उसके बाद जब इसमें थोड़ा सा पौधा अच्छा हो जाए, नई ब्रांचेस निकल आए, फिर थोड़ा सा पानी देना कट कर दें अपने पौधे में। कम करेंगे पानी तो फिर एक दिन दो दिन बाद देंगे जब पानी, नई ब्रांचेस जब निकलने शुरू हो जाएं और थोड़ी सी बड़ी हो जाएं, बिल्कुल यंग लाल लाल पत्तियों में भी कम देंगे तो वो मर जाएंगी, थोड़ी बड़ी हो जाएं ब्रांचेस तो फिर आप उनमें पानी थोड़ा कम कर दें एक या दो दिन बाद। और सौगी नहीं करनी है मिट्टी, फिर आप कहोगे आपने कहा था पानी देना है, सौगी बिल्कुल नहीं करनी है मिट्टी, हल्की सी मॉइस्ट रखनी है, इतना पानी देना है। और जब अच्छी ब्रांचेस
हो जाएंगी, तो फिर आप उसको पानी थोड़ा कम कर दें दो दिन में एक बार ऐसे। फिर जब फूल की कलियां आएंगी और फूल जब खिल जाएंगे, तो फ्लावर खिलने के बाद पानी फिर से आप ऐसा देने लग जाएं कि मिट्टी मॉइस्ट रहे, क्योंकि फूल आने के बाद अगर आप कम पानी देंगे ना अपने पौधे को, तो क्या होगा, फूल सूख जाएंगे और गिरने लग जाएंगे और आपके पौधे में ज़्यादा टाइम तक फूल नहीं रहेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब पौधे में फ्लावर आ जाते हैं, फ्लावर लाने के लिए तो हम पानी कम कर देते हैं दो दिन में एक बार, लेकिन जब फ्लावर आ जाते हैं तब हम अपने पौधे में पानी इतना दें कि उसकी मिट्टी मॉइस्ट रहे। तो ये काम अब आप सितंबर में अपने पौधे के साथ कर लीजिए, उसकी जगह देख लीजिए कहाँ रखना है, ताकि आपको सर्दी में भी बोगनविलिया के फूल मिलते रहें। वैसे तो बोगनविलिया जो है वो गर्मी में ज़्यादा फ्लावर देता है, लेकिन सर्दी में भी अगर आप इसको गर्मी प्रोवाइड करेंगे तो ये आपकी फ्लावरिंग अच्छी करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, हाँ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।